कितनी प्यारी कबूतरी लाए हैं उस अपने बहादुर के लिए। ये देखो भाई तुम्हारे दोस्त आए बहुत प्यारे। एक तो आ गया, ये भी गया। ये भी कितना प्यारा है। पानी आता जा रहा है और प्राणा निकलता जा रहा है ना, लेकिन अभी कचरा नीचे रहेगा भाई। नई फिशेस भी आएंगी अब हमारे साथ, पूरा दिन ये खेलती रहती है नीचे, मस्तियां करती है, सोती है पास आकर। ले आजू 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 आजू। ओ भाई निकल गया यार। आपको याद होगा अगर आपने कल का व्लॉग देखा तो अर्कम भाई ना उसमें गए थे बर्ड मार्केट, और वो ना कल बहुत ही अच्छे सरप्राइज लेके आए थे जो कि हमने आपको कल नहीं थे दिखाया, क्योंकि अर्कम भाई को ना आते हुए काफी ज्यादा देर हो गई थी। अर्कम भाई तकरीबन शाम को आए थे, तो आज मैं आपको वो बर्ड्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये दो पेयर है बजीज के, और ये साथ ही देखें कितनी प्यारी बहादुर की फीमेल है। देखें इसने ना पेयर भी लगा लिए इसके साथ, तो अभी मैं अर्कम भाई को बुलाता हूँ और कहता हूँ इन बर्ड्स को ना कॉलोनी में शिफ्ट करें। रात को ना अंधेरा हो गया था इसलिए ना हम अपने बर्ड कॉलोनी में शिफ्ट नहीं थे कर पाए, अभी ना हम इनको कॉलोनी में शिफ्ट कर देते हैं। तो यार अभी मैंने अपनी ल्यूका को भी ऊपर ले आया हूँ, ये देखें इतनी आलसी हुई पड़ी है, पूरा दिन सोती रहती है, और आज तो इसने कुछ खाया भी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। चलो भाई यहाँ पर जाओ, इसे चाहिए कि फिर भी लिया करे। छत पर आती है लेकिन बर्ड्स के होते हुए नहीं आती, और अब मैं इसे लाया हूँ, देखते हैं ये नीचे भाग जाती है या यहाँ रहती है। मैं तो चाहता हूँ ये थोड़ी देर यहाँ पर ना बर्ड्स के साथ खेले और फिर नीचे जाए। मुझे लग रहा है यार ये आज ना थोड़ी सुस्त है, पता नहीं बीमार है या उदास है अपने पिछले घर से, पता नहीं, लेकिन इसने आज कुछ खाया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार अहमद ने ना आपको दिखा दिया कि मैं ये कितनी प्यारी कबूतरी लाया हूँ उस अपने बहादुर के लिए। ये देखिए यार कितनी ही प्यारी है, ब्लैक है फुल, और बहुत ही मतलब कि ना बहुत ही मुझे पसंद आई और मैं ले आया। और साथ ही साथ मैं बजीज के दो पेयर लाए हूँ, और ये बहुत ही प्यारे पेयर हैं, बने हुए पेयर हैं, बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह अंडे भी दे देंगे। तो इनको मैंने यहीं पर बंद कर दिया था, अभी हम इनको उठाते हैं और यहाँ से ना इनको कॉलोनी में छोड़ देते हैं। और इससे पहले ना यार काम करते हैं कि इसी जाली में मिलाया था तो इसी में डाल देते हैं, क्योंकि ये पिंजरा ना थोड़ी सी फटी भी हुई है, ध्यान करना। नहीं मैंने ठीक कर ली है, कर ली थी। तो यार हम इसमें डाल देते हैं, पिंजरा जो है ना ये कॉलोनी के अंदर नहीं जाता, क्योंकि कॉलोनी का दरवाजा ना थोड़ा छोटा है, तो यार इसमें ना जाली में डालते हैं और फिर लाकर हम कॉलोनी में छोड़ देते हैं। और भाई सुन लो तुम्हारे दोस्त आ गए हैं बजीज, अब हमारे बजीज ज्यादा हो जाएंगे यार, ये तो अंडे दे नहीं रहे, इंशाल्लाह वो वाले पेयर ना लाजमी देंगे। तो हम पहले ना इसमें डाल लेते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। बजीज पकड़ लिए अपने पिंजरे में से, और साथ ही साथ कबूतरी भी निकाल लिए। यार मैं सोच रहा हूँ कबूतरी को भी उस कबूतर के साथ ना हम अंदर ही शिफ्ट कर देते हैं। भाई कबूतर मारेगा डब्स को? यार मारेगा तो निकालेंगे, आज बड़े अच्छे लगेंगे यार कबूतर भी, ये पेयर भी ना अंदर बहुत प्यारा लगेगा। अगर मारेगा डब्स को तो हम बाहर निकालेंगे, ये पकड़ो तुम भाई, खतरनाक भी हो सकता है, ज्यादा बजीज हो रही है यार, फिर ये बाहर भी आ सकते हैं क्योंकि हमारा दरवाजा बड़ा है ना, तो हमने ना इतिहास से आया करना बाहर। तो भाई अंदर जाते हैं, दूसरे बजीज कहाँ हैं? वो नीचे बैठे हुए हैं, नजर ही नहीं आती एक तो। थोड़े हैं ना, ध्यान से आ जाओ अंदर, तुम भी आ जाओ। मैं भी हूँ। हाँ इन्हें पकड़ो। ये देखें यार, ये देखो भाई तुम्हारे दोस्त आए बहुत प्यारे, ये देखो अब हमारी कॉलोनी बहुत प्यारी लगेगी यार। अमन ये देखो दो तो इन जैसे हैं, येलो और ग्रीन है ना। हाँ, दो से ये देखें यार, दो एक जैसे हैं, तो इनको ना हम निकालते हैं। हम अमन एक काम करो, इसे भी छोड़ दो ना पहले, भाई देखें कितनी प्यारी लग रही है ये। और यार इसकी ना कबूतरी की फील हो रहा है, इसके ना पर थोड़े और तरह के हैं, ये देखिए बिल्कुल ना मतलब कि यार आपको मैं शायद समझा नहीं पा रहा। मैं निकालूंगी, तुम निकालोगे? मैं निकालता हूँ। निकाल लोगे? हाँ निकाल। चलो इधर आओ, फिर यहाँ बैठो और निकालो, यहाँ से छोड़ दो। देखते हैं यार ये पकड़ के निकालोगे? भाई पकड़ के मैंने अपने हाथ जख्मी करवाने हैं। चलो जैसे भी निकालो निकालो सही ने, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ आराम से। भाई अब हमारी कॉलोनी ना काफी अच्छी लगने लग जाएगी, इसी तरह यार हम बर्ड्स लाते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहें यार, सब्सक्राइब करें। एक तो आ गया, ये गया भाई, उसको जगह नहीं मिल रही बैठने की, वाह भाई वाह। चलो अगला निकालो, वो हो गया यार, छोड़ो ना क्या तुम, निकालो इसे इस तरह, ये भी गया। ये भी कितना प्यारा है, ये कितने प्यारे हैं, क्यूट है ये। चलो अब इसकी बारी, इन दोनों को भी निकाल दो। चलो ये भी गया हमारा, भाई कहाँ जा रहे हो? इसने कितनी लंबी फैलाएगी यार। चलो निकालो निकालो, आप भी निकालो। चलो भाई जाओ, भाई तुम भी जाओ। भाई माशाल्लाह अब हमारी कॉलोनी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी फील आ रही है। और ये देखिए कबूतर भी ना डब के साथ बैठ गई है, इसका ना मेल के अंदर छोड़ देते हैं अभी लाकर ना। ये देखिए तीन रहे ये, एक रही वो, ये न्यू है हमारे और वो दो पुराने हैं। तो चलो बाहर चलते हैं पहले, चलो बाहर आराम से जाना, आराम से जाना कहीं यार उतना जाइए। देखिए इस तरफ आ रहे हैं, रुको ना पहले, रुको 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 भाई रुको रुको, रिलैक्स होने दो, नहीं रिलैक्स होने दो। चलो तुम निकलो ऐसा ऐसा निकलो तुम, अहमद निकल गया, मेरी बारी है। रुको इनका पानी भी बदलना है हमने, खोलो थोड़ा सा।
चलो खोलो दरवाजा, मैं अचानक से आऊंगा बाहर। निकलो 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 निकलो, कर दो कर दो कर दो। भाई बच गए वरना बची जोड़ सकते थे। अब हम भला क्या करेंगे, हम इनको रात को ही ना अंधेरे में इनका पानी भी रख दिया करेंगे, इनका दाना भी रख दिया करेंगे, ताकि ये हमारे से उड़ ना जाए कहीं। ये लो यार तुम लोग भी खाओ। आज इनका यार मैं हरा कोई चारा वगैरह नहीं ला सका, जिसकी वजह से आज इनको बिना दाने हमने डाल दिया है, तो ये आराम से यहाँ खाते रहेंगे। ये देखिए ना इतने ज्यादा भूखड़ है ना, ये इनको हरा डाल भी दो फिर भी ये दाने के पीछे भागते हैं। इनको जहाँ भी दाना मिले ना वहाँ पर ये पड़ जाते हैं भाई दाने के पीछे। और अहमद यार बात सुनो, इसको भी यार पकड़ के ना वहाँ छोड़ देना उसके अंदर साथ, क्योंकि इसके पार्टनर अंदर है ना, तो ये भी अंदर ही ठीक रहेगा। तो मैंने ना अभी मछलियों का ये फाउंटेन देखा है, मैं इनको ना फीड डालने लगा था, लेकिन मैंने देखा यार ये काफ़ी गंदा हुआ है, तो अभी ना इसका हम ड्रेन खोल देते हैं, जो सा पानी गंदा है वो निकल जाएगा और नया पानी इसमें भर देते हैं। पहले मैं नया पानी अंदर डाल देता हूँ ना ऐसे। और भाई पाइप निकल गया, और यहाँ से मैं ड्रेन खोल देता हूँ, गंदा पानी निकल जाएगा और साफ पानी अंदर भर जाएगा ना, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जब से हम लाए हैं तब से हमने पानी चेंज नहीं किया था। और एक चीज़ मैंने नोट की है, जब हमारा अंदर ब्लू पेंट था ना तब काई नहीं लग रही थी, लेकिन अब वाइट पेंट किया ना इसको बहुत ही जल्द काई लग गई है यार, पता नहीं क्या बात है। और हमें ना ध्यान भी रखना है, यहाँ से कोई मछली बाहर भी निकल सकती है, क्योंकि ड्रेन आप प्रेशर देख सकते हैं इसका ना काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई मछली बाहर ना निकल जाए, बस ये देखना है हमने। अरे यार ये तो देखें फाउंटेन से पानी निकल रहा है, इनकी तो मौजें लग गई यार। भाई हम एक काम भूल गए हैं, अगली बार हमने वो काम याद रखना है, जब हमने इस फाउंटेन की सफाई करनी है ना अंदर बजरी भी डाल देनी। नहीं मुझे याद है, अभी सफाई तो नहीं ना की, अभी सिर्फ पानी बदला है। अच्छा जब करेंगे ना तब बजरी भी अंदर डाल देंगे। वो ना याद रखना गोल पत्थर होते हैं ना जो कलरफुल, हाँ वो भी लाने, वो भी अंदर रखनी है भाई। अगली बार हम ना ये काम जरूर करेंगे। और देखो पानी साफ हो रहा है, पानी साफ पानी आता जा रहा है और पुराना निकलता जा रहा है ना, लेकिन अभी कचरा नीचे रहेगा क्योंकि हम उस तरह झाड़ू से साफ नहीं ना कर रहे। वो ना हम तकरीबन एक वीक के बाद करेंगे, एक वीक के बाद करेंगे। और मछलियाँ और भी लाएंगे प्यारी प्यारी, कब एक हफ्ते बाद जब निकालनी होगी ना बचरी डालनी होगी तब नहीं ले आएंगे भाई, नई फिशेस भी आएंगी अब। तो यार पानी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि अब ड्रेन बंद कर देते हैं, जितना पानी निकालना था निकाल लिया है, फिर इनको फीड भी डालनी है, तो मैं ड्रेन इनका कर देता हूँ बंद। चलो भाई अब ये पानी अंदर भर जाएगा और पानी अब ना पहले से साफ हो गया, पहले तो अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था, काई लग गई ना नीचे, तो नीचे बजरी वगैरह डालेंगे ना तो फिर अंदर ना हमें मछलियाँ और साफ नजर आया करेंगी। बजरी नीचे आ जाएगी तो फिर हमारी जो सी ब्राउन कलर की मछलियाँ ना छोटी छोटी वो भी नजर आया करेंगी, आपको मैं दिखाता हूँ वो भी। ये रही, ये देखिए छोटी छोटी नजर नहीं आती, नहीं नहीं अंदर है, सारी अंदर है, देखो ना ये है और ये भी फिर रही है, कुछ यहाँ पर थी, यहाँ पर एक है, तो यार ढूंढनी पड़ती है, कैमरे में नजर नहीं आती है, मुझे लग रहा था बहुत प्यारी नजर आएंगी लेकिन ये नजर ही नहीं आती। और भाई ये तो एक इसको पकड़ो ना, ये देखें बेचैन हुई बैठी हुई है, पूरा दिन नीचे हमारे साथ खेलती रहती है, ये देखें हमारे साथ पूरा दिन ये खेलती रहती है, नीचे मस्तियाँ करती है, सोती है पास आकर, लेकिन ऊपर आकर ये फौरन ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं इसको हम खाने को कुछ नहीं देते, मारते हैं इसे पता नहीं। कल अहमद एक काम ना करें, इसका दोस्त ना मंगवाएं कल। हाँ मंगवाएंगे कल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता है? पता लग गया मुझे। वो तुम्हारे दोस्त का जो सा बिल्ला है। हाँ ठीक है। कल यार हम इसका अपनी जो सी ल्यूका है ना इसका कल हम फ्रेंड मंगवाएंगे और उसके साथ इसकी ना थोड़ी बातचीत करवाएंगे, इसकी थोड़ी दोस्ती करवाएंगे, हो सकता है ये थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाए, एक्टिव तो अभी भी है लेकिन ऊपर आकर पता नहीं इसको क्या हो जाता है, और आज तो पता नहीं कुछ खा भी नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि खा लेगी रात को ना खा लेगी ये। ये कबूतर तो अंदर जा चुके हैं लेकिन ये यहीं पर बैठा हुआ है, इसको इतना ही पता तुम्हारी भाई कबूतरी अंदर है, आ जाओ तुम भी। इसको मैं ऊपर जाकर मैं उतारता हूँ, फिर इसको भी ना इसकी कबूतरी के साथ छोड़ते हैं अंदर, देखते हैं ये बर्ड्स कॉलोनी में किसी को मारता तो नहीं है। आओ भाई तुम भी उड़ो। रुके यार मुझे ऊपर जाकर ही पकड़ना पड़ेगा इसे। आजो 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 आजो। ओ भाई निकल गया। इसको ना अंदर करके पकड़ लो और इसको ना फिर जाकर छोड़ना है हमने कॉलोनी में। छोड़ो ये खुद ही चला जाएगा अंदर, रहने दो रहने दो। बात नहीं मानता यार ये। चलिए अपनी मर्जी से आ जाएगा, अपनी मर्जी से आ जाएगा यार। अब इसने कबूतर भी पकड़ लिया, दिखाओ यार। यार तुम्हें पता है दोनों की आंखें बिल्कुल सेम है। हाँ लो फ्लायर है ना, लो फ्लायर है ये भी। हाँ जो हम लाए ना वो भी। चलो ये खोलो भाई दरवाजा, आगे से छोड़ दो इसे अंदर, बाहर आने की कोशिश कर रहा है पागल। अबे पागल वो देख पीछे, इसकी अभी वहां नजर नहीं पड़ी कि इसकी वो पार्टनर बैठी हुई है वो दूर। आ
आज भी ना एक अंडा आया पड़ा, ये भी मैं उठा लेता हूँ। और साथ साथ ना आज हमें यार दो तीन शॉप वालों को फोन करके पता भी करना है कि आपके पास कुड़क मुर्गियाँ आ गई हैं या नहीं आई। और अली ने भी ना एक बंदे से बात की, वो भी कह रहा था शायद मैं भी आपको कुड़क मुर्गी कैसे अरेंज कर दूँ। तो यार दुआ करिएगा हमें कुड़क मुर्गी मिल जाए, वरना यार हमें ये सारे अंडे ना फ्रिज में रखने पड़ जाएंगे, मतलब कि खाने के काम आ जाएंगे। मैं नहीं ऐसा चाहता, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ प्यारे प्यारे हम बच्चे निकलवाएं। और भाई ल्यूका सुन, देख लो दरवाज़ा खुल गया, अब जा सकती हो तुम नीचे, ऊपर आके तुम। हाँ वहाँ पानी है तो मैं उठा कर छोड़ूंगा। मैंने इसको साफ कर लिया। देखो यार आज तो इसने कुछ खाया भी नहीं। चलो आओ तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, फिर तुम नीचे चले जाना। भाई ये ना आज बहुत ज़्यादा ना आलसी हुई पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है। चलो यार नीचे जाओ, देखिएगा नीचे भाग कर जाएगी। चली गई भाई नीचे। तो इस व्लॉग को फिर करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको आज का व्लॉग आया हो पसंद तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल मिनी पेट हाउस व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और यार एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यार, ये तो पीछे जा नहीं रहा, यहाँ जाली के साथ चिपक गया है। चलो पीछे, इसको अभी कॉलोनी का पता नहीं है ना, तो ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं हम यार इसको बाहर निकालना है, यहाँ पर रखना है, देख लेते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि ये कबूतर ना मारेंगे तोतों को भी और डव्स को भी।